बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं। आपको बताया गया केएमयू जो कि खैबर पख्तूनख्वा में केपीके के तमाम पब्लिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन रेगुलेट करता है, उनकी एडमिशन लिस्ट जो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो लग चुकी है। आप लोग इनकी वेबसाइट cas.kmu.edu.pk पे जाके आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताते चले कि जैसे ही आप लोग ये क्लिक करेंगे तो न्यू अनाउंसमेंट इस तरह करके क्लोज ओपन हो जाएगी। अब इसके अलावा आपको बताते चले गए इनके जो एडमिशन है वो तकरीबन ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, रेसिप्रोकल और तमाम ये सीट्स होती है। और इनकी जो कि एडमिशन जो लास्ट डेट थी वो ही आप लोग देख सकते हैं कि 23 नवंबर तक अप्लाई कर सकते थे स्टूडेंट। फर्दर जो है वो डिसेबिलिटी और हफ्ते कुरान के टेस्ट होते रहे, और अब जो है वो अब 9 दिसंबर को इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो लग चुकी है। इसके बाद इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट और प्लेसमेंट लिस्ट जो है डिफरेंट कॉलेजेस की वो जो है वो बाद में ही अनाउंस होगी। अभी जो है इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अनाउंस हो चुकी है। अब आपको बताते चले कि आप लोगों ने सिंपल इस वेबसाइट पे जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिंक्स ओपन हो जाएंगे, इन दोनों को आप लोगों ने अलग अलग ओपन कर लेना है। जब आप लोग ओपन करेंगे तो ये पहली वाली जो डाउनलोड एप्लीकेंट लिस्ट, तो इसमें जो है आप लोग ये इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें इन आप लोग और भी हम लोग इन्फॉर्मेशन बताते चले। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो लिस्ट है ये अभी प्रोविजनल है और इसमें एरर्स और ओमिशंस हो सकती है, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर वो इश्यूज हो तो वो ड्यू टाइम से पहले पहले जो है वो अपने मसले या अगर किसी का नाम गलत लिखा है या किसी का एग्रीगेट गलत लिखा है या किसी का जो है वो मार्क्स गलत लिखे गए तो वो जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो है वो 13 दिसंबर से जो है पहले पहले मतलब 5 बजे से पहले पहले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सिंपल जो क्लिक है टू रजिस्टर ऑनलाइन कंप्लेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ये कंप्लेंट की ये जो डिटेल्स है वो मांग लेगा, आपका CNAC प्रोग्राम किस में सिलेक्ट हुआ है, इसी तरह कैटेगरी किस ओपन मेरिट का था, सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अगर इश्यूज अगर लिखे हुए हैं मेरिट लिस्ट में, अगर कोई भी आपका वेरीफाइड के बजाय कोई और अगर मार्क्स में कुछ और लिखा हुआ है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बता देना है। तो इसके अलावा फर्दर आप लोगों ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी टाइप कर देनी है यहाँ पे, ये कैप्चा जो है वो डाल देना है, और आप लोगों ने कोई एविडेंट या प्रूफ के डॉक्यूमेंट है वो भी आप लोगों ने डाल के सबमिट कर देना है। तो आपकी जो कंप्लेंट है वो 13 दिसंबर से पहले पहले जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई इसके बाद कोई हुआ तो फिर कोई भी आपकी जो अगर मसले हो गए तो वो एंटरटेन नहीं होगे। अब इसमें उन्होंने ये बात दोबारा वाजे कर दिया है कि 65% जो MDCAT के स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वही एप्लीकेबल होंगे और FSC में भी 65% ही होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि MBBS एप्लीकेंट लिस्ट और BDS एप्लीकेंट लिस्ट दो, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ओपन मेरिट की लिस्टें हैं, सेल्फ फाइनेंस, एक्सपाटा, बैकवर्ड एरिया, डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी, रेसिप्रोकल, APS विक्टिम, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, इसके अलावा फॉरन सेल्फ फाइनेंस, अफगान नेशनल सीट्स, तो ये तमाम कोटा वाइज उन्होंने जो है वो डाल दिया आप लोगों को वन बाय वन। अगर हम लोग MBBS की से अगर लिस्ट ओपन करें तो इस तरह करके दे आप लोग देख सकते हैं कि MBBS की ओपन मेरिट की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब फर्दर आप लोग ये तमाम इन्फॉर्मेशन के आपके FSC के मार्क्स आप लोगों ने जो है तमाम ये एक तो आप लोगों ने लाजमी ये करना है कि आप लोगों ने ये FSC के मार्क्स एक दफ़ा देख लेने और ये कैलकुलेट कर लेने का आपकी एग्रीगेट सही कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के एग्रीगेट में अगर कोई कैलकुलेशन में एरर है तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल जो है एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पार्क लर्निंग स्पॉट पे जाके आप लोग सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने मोर पे जाना है, मेरिट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों ने फर्दर जो है आप लोग देखते चले तो KMU की जो कि मेरिट लिस्ट जो कैलकुलेट करना है वहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है एग्रीगेट, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है कैलकुलेट KMU एग्रीगेट। अब ये जब ये ओपन आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप लोगों ने अपने मार्क्स टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आप लोगों ने ऊपर अपने FSC मेट्रिक के मार्क्स, FSC के मार्क्स और आप लोगों ने MDCAT के मार्क्स लिखेंगे तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसमें बता दीजिए कि आपके ये 10% मेट्रिक, 40% आपके FSC और 50% आपके MDCAT काउंट हुआ होगा, तो ये अगर कोई आपका एरर है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉप लेवल के ऊपर हम लोग देखें तो इसमें जो है 95.82 एग्रीगेट पे क्लोज हुआ है, ये उमर रहमान स्टूडेंट भी शायान अहमद स्टूडेंट है, इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि वानिया वकार जो है इनके ये सेकंड आई है और इनका एग्रीगेट 92.74416 है। इसी तरह फर्दर अगर हम लोग ओवरऑल अगर सीट्स की बात करें तो जो KMU के अंदर जो कि टोटल सीट्स होती है ओपन मेरिट की सीट्स होती है, अगर उसके हवाले से पता चला कि वो भी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पार्क लर्निंग स्पॉट पर डाली हुई है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि KPK के 12
1200-1300 ये सीट्स होती है पब्लिक सेक्टर की, तो MBBS की और BDS की भी इसी तरह फर्दर और सीट्स होती है। तो अगर हम लोग सिर्फ MBBS की बात करें तो 1200 सीट्स होती है फर्दर, तो उस लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग अगर अंदाजन ये स्टूडेंट्स का अगर रैंकिंग देखें तो ये काफ़ी मतलब कि फर्दर आप लोग यहाँ पे देखते जाएंगे कि भाई किस किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हुए हैं। और यहाँ से आप 111वां नंबर पे अगर जब हम लोग स्टूडेंट पे जाएंगे तो हमें जो है वो प्रॉपर एक मिल जाएगा फर्द में। क्लोजिंग मेरिट के हवाले से बताएंगे तो वो तकरीबन आप लोग देख सकते हैं कि 86, 85 या 87 तक जो है वो ये इस तरह रह सकता है। और फर्दर जो भी इसके हमारे से और भी अपडेट्स है कि हम लोग वो भी आपसे शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर हम लोग सेल्फ फाइनेंस की सीट्स की बात करें तो यहाँ पे इनका मेरिट लिस्ट प्रोवाइडेड है। और सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे जाके सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे आपके सेल्फ फाइनेंस की जो लिस्ट है वो अपलोड हो जाए ओपन हो जाएगी। टॉप जो है वो 91.3359 पे हुआ है, लेकिन आपको ओवरऑल अगर पता चला कि एग्रीगेट वो नॉर्मली कम होता है इनका। लास्ट ईयर जो यू मेडिकल की बात करें तो 89.11 पे क्लोज हुआ था, इसी मेडिकल कॉलेज जो 88.33 पे क्लोज हुआ था। फर्दर इसके हवाले से और भी जो भी अपडेट्स है कि हम लोग वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आप लोग लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो भी देख सकते हैं इसमें। और अगर सीट वाइज अगर बात करें जो कि कितने मतलब कि सीट्स होती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केपीके की तकरीबन हर मेडिकल कॉलेज की 100 या 115 या कुछ की जो है वो 200 से भी ज्यादा सीट्स है। तो इस तरह ये डिफरेंट डिविजन होती है और टोटल 1200-1300 सीट्स होती है इसकी। अब अगर हम लोग बात करें BDS की तो BDS की आप लोगों ने सिंपल जो है अब यहाँ पे ओपन मेरिट की क्लिक कर लेना है सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे, और ये सिर्फ फर्दर कोटा वाइज देख लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर BDS की अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो इसमें टॉप जो किया है वो 91.79177 पे हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिमार्क्स यहाँ पे लिखा है अपलोड पेड डिपोजिट स्लिप इन ऑनलाइन कंप्लेन टू बी कंसीडर इन द नेक्स्ट लिस्ट। अब इसमें जो आप लोग देख सकते हैं रिमार्क्स में अगर ये लिखा हुआ है तो आप लोगों ने जब वो कंप्लेन करनी है तो उसमें आप लोगों ने ये लिखना होगा कि ये यहाँ पे जो है पेमेंट नॉट वेरीफाइड या BDS पेमेंट नॉट वेरीफाइड। तो इसमें आप लोगों ने ये सही जो भी वहाँ पे रिमार्क्स लिखा है उस लिहाज से आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। फर्दर इसके अलावा अगर आप लोग देख सकते हैं कि और भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है BDS में ज़्यादा, इसलिए क्योंकि आपको बताते चले कि BDS की जो कि स्टूडेंट्स है उन्होंने अलग से फ़ी जमा करानी थी, 3000 रुपये जो है वो अलग से जमा करानी थी, और MBBS की जो है वो अलग से फ़ीस थी। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये मसला हो सकता है कि उनकी जो फ़ीस डिपॉजिट थी वो ना हुई हो और उनको जो है वो दोबारा मतलब कि अपना पेमेंट स्टेटस जो है वेरीफाई कराना होगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अब अगर हम लोग इनकी सीट्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर अगर सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं BDS KMU सीट्स तो डेफिनेटली इसके अंदर हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है पब्लिक डेंटल कॉलेजेस सीट्स। अगर इसकी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल अगर KPK की जो सीट्स है डेंटल कॉलेजेस की तो वो 180 सीट्स है। तो 180 सीट्स का मतलब कि इसका मेरिट जो होगा वो डेफिनेटली फिर इस लिहाज से वेरी करेगा। और मतलब कि इसमें डेफिनेटली अब आप लोग देख सकते हैं कि 89-88 तक जो है वो क्लोज होने के इम्कान है। फर्दर जो भी और भी अपडेट्स है कि हम लोग वो भी आपसे शेयर कर देंगे। यहाँ पर ये लिस्ट जो है सेल्फ फाइनेंस की BDS की लिस्ट ये भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। फर्दर इसके अलावा आप लोग ये कंप्लेंट डिटेल जो है यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देख लिया कि मेरिट लिस्ट जो अपलोड हो गई। और इसके अलावा और भी जो भी अपडेट्स आएंगे हम लोग वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद जो आने वाली अपडेट्स है वो भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।